चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म सब लोग देखे हो, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, मत देखो, मेरा क्या जा रहा है। तो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है, दो ट्रायंगल दिखेगा तुम लोगों को, बहुत ही गंदा बना है। तो ठीक है, तो इस टाइप का दिखता है प्रिज्म, ठीक है। ये दो ठो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं ऐसे, सामने अपन को ट्रायंगल दिखता है, नीचे जो होता है वो बेस होता है, ठीक। तो अब इसमें जो है ना प्रिज्म में, अब इसकी अलग अलग चीज़ों की पहचान होती है। पहचान ये कि भाई ये जो दो रेक्टेंगुलर साइड्स है ना, प्लेन जो है, एक तरीके से प्लेन का पार्ट है वो, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग फेस। क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्टिंग फेस। तो एक ये है, दूसरा उधर है, तो फेसेस बोलोगे जोड़ी में बोलोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो बेस है, ये तुम्हारा क्या है? बेस, जिस पे रखने वाले हो। ये रिफ्रैक्टिंग फेस वो एज है, मतलब वो फेस है जहाँ से तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। अब यहाँ ये जो एंगल बनता है, इसको एंगल ए मान लो, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? अब एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो इसके अलावा दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस एक लाइन पे मिले हुए हैं, दिख रहा है? इस लाइन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, नाम है इनके काम के हिसाब से दिया गया है, ठीक। इसके अलावा बेस तो तुम लोग देख ही लिए। अब अगर अपन ये जो अपना रिफ्रैक्टिंग एज है, इसके परपेंडिकुलर तलवार लेके इसको काट दो, तो जो तुमको क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना, उसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं प्रिज्म का, ठीक है। अब प्रिज्म में जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन होता है, उसका कुछ इस टाइप का स्कीम है। देखो, मेन तो यही है पढ़ना, वो तो बस ऐसे नाम वाम बता दिए थोड़ा बहुत। तो अपन वापस आते हैं इधर। तो ये लाइट आई, व्हाट इज हैपनिंग हियर भाई? ये जा रहे हैं रेयरर टू डेंसर। तो एक काम करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ऐसे निकलना चाहते हैं, बट रेयरर टू डेंसर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब यहाँ निकलना चाहते हैं ये, लेकिन अब क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन, दिस इज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश ले लेते हैं चलो, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, तो क्या हम लोग फाइनली बता सकते हैं कि ये रे कितनी डेविएट हुई है, कितने एंगल से डेविएट हुई है? ये ऊपर एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, तो एक काम करो, ये रे पीछे एक्सटेंड करो, इस भाई साहब को पीछे एक्सटेंड करो। तो ये आई ऐसे थी, गई ऐसे है, टोटल डेविएशन ये वाला एंगल है क्या, डेल्टा। समझ रहे हो कि क्या है मैक्सिमम डेविएशन? मतलब मैक्सिमम की बात अभी नहीं कर रहे हैं, टोटल डेविएशन कितना हुआ, ठीक है। तो डेल्टा क्या है अपना? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत? अच्छा, नेमिंग में ना इसको जैसा नेमिंग दिया हुआ है वैसे ही अपन भी करते हैं। तो ये अपना आर डैश ले लो और इसको आई डैश ले लो, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, जहाँ से वो बाहर निकला है इमर्ज होके, ठीक। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, अब ना अब समय आ चुका है इस प्रिज्म का नामकरण संस्कार करने का, ठीक है। तो नामकरण संस्कार करते हैं, तो ये ए है, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो,
और जो रे लाइट रे है ये है पी क्यू आर एस। कोई दिक्कत इस पॉइंट को यहाँ, जो ये जो दोनों नॉर्मल मीट हो रहे हैं इसको एन मान लेते हैं, और यहाँ जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे और ये मिल रही है इसको एम मान लेते हैं। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये अपना डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। ये आई आर तो समझदारी से समझ गए होगे, कोई दिक्कत इस बात से? क्या तुम लोगों को यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं? मेरे को ये वाला ज़्यादा पसंद आया, ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर, ठीक है ना। तो ए क्यू, अच्छा क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर कितना होगा? 180 डिग्री। हाँ यानी बोल दो एक बार। हाँ। अब दूसरा तुम लोग को ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, क्यू एन आर? हाँ। इसमें आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री दिख रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा यहाँ से क्यू एन आर को क्या निकालेंगे, 180 माइनस आर प्लस आर डैश ऊपर पुट कर दें क्या? एंगल ए प्लस 180 माइनस आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180। हाँ तो यहाँ से तो ए गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ से 180 गायब हो जाएगा, तो उड़ा दें। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ठीक है। ये डैश थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। तो बताओ इस बात से कोई किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो, समझ में आया क्या? अच्छा अब हम डेल्टा निकालने की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलो डेल्टा निकालना है भाई। सो आप लोग अपना अपना दिमाग चलाना, बिना दिमाग चलाए तो ये नहीं मिलने वाला, तो चलो देखते हैं। सो यहाँ देखो, सो ये लाइट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, सो दिस होल एंगल इज आई। सो ये जो बचा खुचा एंगल है यहाँ पे, ये आई माइनस आर है क्या? पक्का सबको दिख रहा है? अच्छा यहाँ देखते हैं, ये आई है, सो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आई होगा, तो ये वाला एंगल आई माइनस आर डैश है क्या? सॉरी आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। बोलो किसी कोई दिक्कत? अच्छा अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिख रहा है क्या किसी को? आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा, दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल? भाई दोनों इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, उनका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा डेल्टा है यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल एम क्यू आर में, क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा, हाँ या नहीं? हाँ। तो एक काम करो, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा। आर प्लस आर डैश एंगल ए के इक्वल है क्या? तो आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या ये बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़। भाई कुछ तो हमको पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, जो दिया होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला भाई इंसिडेंट कहाँ हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो डिपेंड करेगा ही। दूसरा कि भाई प्रिज्म किस मटेरियल का है, ऑब्वियसली मटेरियल प्लेज अ रोल, क्योंकि अलग अलग मटेरियल में लाइट की स्पीड अलग 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 होगी, तो बेंडिंग अलग अलग होगी, तो डेविएशन भी अलग होगा, ठीक है ना। तीसरा भाई लाइट के वेवलेंथ पे तो डिपेंड करेगा, वेवलेंथ बोले तो स्पीड है एक तरीके से, कहीं ना कहीं से ट्रांसलेट होके पहुंचोगे ही स्पीड पे, ठीक है। चौथा भाई प्रिज्म के एंगल पे तो डिपेंड कर ही रहा है, दिख ही रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है
इसका अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ प्लॉट बना सकते हैं, प्लॉट बोले तो ग्राफ बना सकते हैं। तो उस ग्राफ को अगर हम लोग बनाएं तो कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। इधर अपन आई ले लेते हैं और इधर अपन डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्लॉट इज समथिंग लाइक दिस, प्लॉट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये आई इज इक्वल टू आई डैश के लिए है, आई इज इक्वल टू आई डैश के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी, ये अपनी आई होगी और ये आई डैश होगी, ऐसा जोड़ी में होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, और उसके अलावा अपने को मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लिए। चलो तो इतना नोट कर लो, फिर मैं इस ग्राफ को और अच्छे से समझा दूंगा। चलो तो देखो, इसमें यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आई को बढ़ाते जाएंगे, डेल्टा हमारा घटता जाएगा, इसके बाद मिनिमम वैल्यू पे पहुँचेगा। तो ये मैंने गलती से मैक्सिमम बोल दिया, मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू आई डैश जब होता है तो हमको उस कंडीशन में क्या मिलता है, हमको मिलता है प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन, ठीक। और उसके बाद फिर एक खासियत ये है इस पॉइंट का कि इसके आगे अगर अपन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा कि हमारा लाइट फिर से जो डेविएशन है वो बढ़ने लगेगा प्रिज्म से। ये इसकी खासियत है और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली इसको प्लॉट किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नोटिस करने वाली बात यह है कि फॉर सेम डेविएशन हमको दो एंगल मिलते हैं। सो आई और आई डैश इनको हम इंटरचेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, कि आई की जगह अगर आई डैश पे भी डालोगे तो डेविएशन उतना ही रहेगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या है कि लाइट अगर इस रास्ते से ऐसी आई है ना, तो तुम अगर इस रास्ते से भेजते तो भी सेम काम करता, कोई डिफरेंस नहीं होता, अपने पाथ को रीट्रेस करता। यहाँ मिरर लगा दो फिर लाइट आएगी फिर चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? अब ग्राफ क्लियर है, ठीक है। चलो नोट करो। चलो तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, डेल्टा एम वर्सेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, म्यू, ठीक है। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एक चीज़ खासियत है, वो मैंने पहले ही प्रिज्म में बनाई ही वैसे थी, कि ये जो QR होती है ना वो पैरेलल जाती है BC के जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। तो ये जब बना है ना फोटो, वो बना ही उसी केस के लिए था, ठीक। तो अब क्या किया जाए, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे I इज इक्वल टू आई डैश होता है, तो मतलब क्या है, R इज इक्वल टू आर डैश हो जाएगा, तो डेल्टा जो है वो डेल्टा M के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो अपन क्या बोले थे भाई, अपन बोले थे आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, और ए को क्या बोले थे, आर प्लस आर डैश, ए को क्या बोले थे, आर प्लस आर डैश। ये सब तो याद हो गया होगा, तो आई प्लस आई डैश दोनों बराबर है, आई लिख लेते हैं, ए ठीक है छोड़ो, डेल्टा, अच्छा तो यहाँ से डेल्टा क्या लिख सकते हैं अपन, यार डेल्टा क्यों लिखना है, अपने को तो आई चाहिए ना, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाएंगे ना इसमें, तब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो आई और आर निकालते हैं ना, तो यहाँ से क्या लिखोगे, टू आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, यहाँ से क्या लिखोगे, टू आर इज इक्वल टू ए, सो आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई टू। पर ध्यान ही रखना, इक्वल लियो मतलब डेल्टा एम हो गया और आर इज इक्वल टू ए बाई टू। बताओ कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई कितना है भाई, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और आर कितना, साइन आर कितना है, साइन
a बाई टू। तो इस तरीके से हमने एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को रिलेट कर दिया। ठीक है, अब a और डेल्टा m की वैल्यू अपन मेज़र कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, और यूँ निकाल सकते हैं फिर ग्लास का, सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा जो डेविएशन है प्रिज्म का वो बहुत छोटे एंगल पे होगा तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे, मतलब साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। चलो इसको नोट करो, फिर उसको भी करते हैं। चलो तो अब मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम कि जो ये आई है, आई इज वेरी स्मॉल, आई इज वेरी स्मॉल। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का, जो मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, बताया ना। तो यहाँ पे अपने पास दो फेस हैं, एक है ए बी एक है ए सी। तो ए बी पे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू। हाँ या नहीं भाई, स्नेल्स लॉ है और क्या है। अच्छा, और ये ए सी पे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन आई डैश, सॉरी ये आर डैश पे अपन जा रहे हैं, इंसिडेंट इंसिडेंस एंगल जो है वो आर डैश है। तो अपने को लिखना पड़ेगा या इसको बदल देते हैं ना, तो एंगल ही बदल देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। ये छोड़ो, उल्टा ले लेते हैं रे को, रे को ही उल्टा मान लो, कई फर्क पड़ता है, बताया हो ना, ये तो रिट्रेसेबल है, ये ऐसा जाए चाहे ऐसा जाए इसको क्या ही फर्क पड़ता है। तो अपन मान लेते हैं इधर से गया, तो साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल एंगल, सो मतलब साइन आई आई के इक्वल होगा, साइन आर आर के इक्वल होगा, आई डैश के इक्वल होगा, साइन आई डैश के इक्वल होगा, आर डैश साइन आई डैश, साइन आर डैश के इक्वल होगा। तो ये आई अपॉन आर हो गया और ये आई डैश अपॉन आर डैश हो गया, बोलो ठीक। तो यहाँ से अपन आई को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू म्यू आर और आई डैश इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बात से किसी कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं है। तो अब एंगल का मतलब प्रिज्म का क्या फॉर्मूला है भाई, आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो I प्लस आई डैश तो ठीक है, म्यू आर प्लस म्यू आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ठीक, अच्छा, और R प्लस आर डैश तो A होता है क्या, होता है ना, सो ये तो म्यू A है ना, इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A है ना, सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू A माइनस A है ना, सो म्यू, अच्छा A कॉमन लेंगे ना, तो म्यू माइनस वन इंटू ए मिलेगा क्या। सो अगर हमारा एंगल स्मॉल एंगल हुआ तो डेल्टा म्यू माइनस वन इंटू ए मिल जाएगा, सिंपल तरीके से। तो स्मॉल एंगल होने पे बड़ा आसानी हो जाता है काम, क्योंकि साइन आई आई के इक्वल हो जाता है, बट ये बहुत ही छोटे लिमिट में पॉसिबल है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। चलो ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया प्रिज्म का भाई। ठीक है, अब प्रिज्म का जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो देखते हैं इसके बाद। चलो नोट करो इसको। चलो तो अब प्रिज्म का दूसरा प्रॉपर्टी जो कि है डिस्पर्सन, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा प्रिज्म है, ओ तेरी प्रिज्म बना ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म गंदा हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ तुमने व्हाइट लाइट मारी, क्या काला दिख रहा है बट है कैसा, सफ़ेद, तो लाइट जाएगी अंदर, ठीक है ना। एंड आई थिंक मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि व्हाइट लाइट कंटेन्स ऑल द कलर्स विद ग्योर, याद होगा वी आई क्या होता है भाई, वी आई बी जी वाई ओ आर, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येल्लो ऑरेंज रेड। तो काम करना, यहाँ लगा देना स्क्रीन बेटा, क्या होगा पता है, ये ऐसे जाएगा एक, लेकिन ये सिर्फ एक हुआ है, अभी बाकी बचे हैं, तो ऐसे ऐसे, देखो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए बनाना,
एक दो तीन चार पाँच छः, एक और बनाना पड़ेगा, कहाँ बनाऊँ? तो वी आई बी जी वाई ओ आर मिल गया, ठीक है। तो ये डिस्पर्स हो गए, सारे लाइट अपने कंपोनेंट कलर में टूट गया, जो वाइट लाइट था वो अपने सातों कंपोनेंट कलर्स में टूट गया, ठीक है। तो क्या दिखेगा यहाँ स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे क्या दिखेगा? अरे इंद्रधनुष दिखेगा रे बाबा, रेनबो, सातों कलर, ठीक है। तो अब ये जो फिनोमिना है जिसमें कि वाइट लाइट स्प्लिट होके अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है किसी मीडियम से पास होने पे, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। और जो ये कलर बैंड मिला ना, ये जो यहाँ बैंड मिला है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एंड इसके बारे में क्लास 11th में पढ़े होगे थोड़ा बहुत, लिटिल लिटिल, ठीक है। तो ऐसा है कि लोग इस बात को मान नहीं रहे थे, लोग इस बात को मान नहीं रहे थे। तो न्यूटन बोला आई एम हियर, वाई फिकर? तो उसने क्या किया, एक ये लगाया, फिर लाइट गई अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट गई, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उल्टा लगा दिया, फिर लाइट इसमें से निकली और एक कलर में आ गई। तो न्यूटन ने प्रूव कर दिया कि भाई मैंने प्रिज्म के साथ घपला नहीं किया, ये नेचर है। अब इसका कारण सोचना पड़ेगा, फिर लोगों के हालात ख़राब हो गए कि भाई कारण क्या हो सकता है इस चीज़ का, है ना। तो इस चीज़ का कारण बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा है। क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कुछ ऐसा फंक्शन होता है, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये सात के सातों का वेवलेंथ तो अलग होता है ना। ये रेड का सबसे ज़्यादा, वायलेट का सबसे कम, तो भैया जिसका सबसे ज़्यादा वो सबसे कम होगा डिस्पर्स, मतलब सबसे कम एंगल पे डेविएट होगा। अब सबसे कम डेविएट हुआ तो ऊपर दिखा, सबसे ज़्यादा हुआ तो नीचे दिखा। तो यही सिंपल सा कारण था, ठीक है। अब अगर मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले लूँ तो मैं डेल्टा को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा को लिख सकता हूँ ए इंटू म्यू माइनस वन। तो यहाँ से मैं हर कलर का डेविएशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अपने को क्या मालूम है, अपने को मालूम है लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। तो अगर लैम्डा ज़्यादा है तो म्यू रेड जो होगा वो स्मॉलर हो जाएगा म्यू वायलेट से, ठीक ठीक। सो म्यू रेड इज स्मॉलर देन म्यू वायलेट, यहाँ रखोगे तो छोटा छोटा मिला, मतलब क्या हुआ, मतलब डेल्टा रेड इज स्मॉलर देन डेल्टा वायलेट, समझ में आई बात क्या। तो डेविएशन जो रेड कलर का होगा वो कम होगा और वायलेट कलर का होगा वो ज़्यादा होगा, क्या ये बात समझ में आई, ठीक। तो ऐसे मीडिया जिसमें कि लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडिया, और जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडिया, ठीक है। जैसे वैक्यूम, वैक्यूम या एयर, इसमें डिस्पर्सन होता है क्या, ना। तो ये क्या है, नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। लेकिन ये जो अपना ये प्रिज्म है जो किसका बना हुआ है, ग्लास का, सो ग्लास इज अ डिस्पर्सिव मीडिया, क्या ये बात समझ में आई। तो अब इस डिस्पर्सन से हम लोग दो चीज़ें निकालते हैं, एक होता है एंगुलर डिस्पर्सन और दूसरा होता है डिस्पर्सिव पावर। तो एक काम करो, पहले इतना ड्रॉ करो फिर उसको अलग डायग्राम बना के समझाऊंगा। चलो तो अब देखो ऐसा करते हैं कि ये हमारा प्रिज्म है और हम सिर्फ बात करेंगे मैक्सिमम वालों की, मैक्सिमम और मिनिमम की। सो ये वाइट लाइट आई, अब ये क्या हुआ भाई, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, ये ऐसा ये ऐसा, हमको ये मिला स्क्रीन पे। बोलो कोई दिक्कत इस बात से, नहीं, ठीक है। तो ऊपर अपना रेड है और नीचे अपना वॉयलेट है, ऊपर अपना रेड है नीचे वॉयलेट है। सो लाइट रे जो आई थी वो किधर से आई थी भाई, लाइट रे जो आई थी वो कुछ इस डायरेक्शन में थी। सो दिस इज द एंगल डेविएटेड बाई रेड एंड दिस इज बाई वॉयलेट, ठीक है। एंड यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं अपन, ये उसका नॉर्मल, कोई दिक्कत इस बात से। सो ये जो आइटम है ये कितने दूर कितने एंगल में मिला होगा अपने को, ये कैसे निकलेगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर मिलेगा क्या, कितने दूर में पूरा स्पेक्ट्रम दिखेगा हमको, कितने एंगल पे दिखेगा, ये बात समझ में आई क्या। अच्छा
सो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस वन इंटू ए, ठीक है। डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन इंटू ए, स्मॉल एंगल एजम्पशन लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। और डेल्टा क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, ठीक है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे अपन करते क्या है पता है, कि जब अपन ये सारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लें और सबका मीन लें, एवरेज निकालें, तो अपने को मिलता है येल्लो लाइट। मतलब इन सब का एवरेज जब लोगे ना, तो येल्लो वाले लाइन पे पहुँचोगे। तो इसलिए ये हम येल्लो का मान के रखें, दिस इज़ फॉर येल्लो, या आसान भाषा में बोले तो एवरेज या मीन, एवरेज या फिर मीन वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? तो जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है ना, एंगुलर डिस्पर्सन, ये क्या होगा खुद ही सोचो। नेट डिस्पर्सन कितना हुआ, तो भाई वो कितना हुआ, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर तो हुआ है, हाँ। तो डेल्टा वी कितना है, म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ से अगर ए कॉमन लोगे, तो तुम लोग को म्यू वी माइनस म्यू आर दिख रहा है क्या, तो ए को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन निकाल लिए, कोई दिक्कत है इस बात में, बोलो, ठीक है ना। तो यही है। अच्छा एक चीज़ तो बच गया, डिस्पर्सिव पावर नहीं निकाले ना हम लोग। अच्छा ये एंगुलर डिस्पर्सन जो है ये क्या क्या पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक। अब यहाँ से अपन डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करते हैं, चलो। तो भाई डिस्पर्सिव पावर मतलब उसके पास कितनी पावर है डिस्पर्स करने की, यही होगा ना। तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है, इसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज एंगुलर डिस्पर्सन, डिवाइडेड बाई मीन डिस्पर्सन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन कितना हुआ भाई, कौन सा वाला लिखे, कौन सा लिखोगे, ये लिख लो, म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और मीन डेविएशन इसको मान रखे हैं अपन, सो म्यू माइनस वन अपॉन ए, कोई दिक्कत। तो ये मिल गया अपने को डिस्पर्सिव पावर, मतलब कितनी पावर है उस प्रिज्म में लाइट को डिस्पर्स कराने की। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत इस बात में, पक्का। हाँ तो ये था अपना एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। अब इसके बाद देखो ऐसा है कि हम लोग ना जितने भी लाइट हैं सबके डेविएशन का जब एवरेज निकालते हैं तो क्या मिलता है अपने को, येल्लो लाइट। ये मैं बता दिया तुम लोगों को, ठीक है, इसको याद रखना दिमाग में, क्योंकि वहीं से डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अरे 10वीं क्लास में पढ़े हो ना, स्कैटर क्या होता है, तो पूछ रहा हूँ, बिखरना। तो 10वीं क्लास में पढ़े होगे, क्या पढ़े थे याद है, ये पढ़े थे, आकाश नीला क्यों, सूरज लाल क्यों, क्यों, क्योंकि जो स्काई है तुम्हारा वो क्या करता है, वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देता है, तो इसलिए हमको ब्लू कलर दिखता है, ठीक है। तो इसके अलावा तुम लोग को सूरज लाल दिखता है, ये भी वही रीज़न है। उसके अलावा बादल सफ़ेद दिखता है, सेम स्कैटरिंग, ठीक है। उसके अलावा एक रेड लाइट सिग्नल क्यों होता है, हमेशा रेड क्यों, डेंजर सिग्नल रेड क्यों, क्योंकि वो स्कैटर सबसे कम होता है, तो सबसे दूर तक ट्रेवल करेगा ना, तो फ़ायदा है ना भाई, दूर से खतरा पहचान लिए, ठीक है। तो लाइट जब अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है किसी पार्टिकल से टकरा के, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसीलिए तुम लोग फॉग देखे होगे, मिस्ट देखे होगे, धुंध जो बोलते हैं। इसके अलावा
तुम लोग ह्यूमन आई के बारे में भी 10th में पढ़े हो कि आँख में क्या क्या होता है। बाकी इस पे आज तक मैं सवाल तो नहीं देखा हूँ। बाकी तीन बीमारियाँ जो होती हैं, मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, क्यों होता है, कैसे करेक्ट करते हैं, ये सब बेसिक है 10th का, तो उस पर अपने को नहीं जाना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो।